भारत और श्रीलंका के बीच होगा एशिया कप का फाइनल। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी ने हरवाया। पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर करवाया। फाइनल में पहुंची श्रीलंका की टीम। एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। जैसे ही श्रीलंका ने पाकिस्तान को सुपर फोर के मुकाबले में हराया, वैसे ही ये तय हो गया कि एशिया कप का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच होगा। रोमांच, ड्रामा और थ्रिल से भरे इस मुकाबले में आखिरकार श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया और फाइनल का टिकट कटा लिया। दरअसल पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीत सकती थी, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की वजह से पाकिस्तान को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि बाबर और शाहीन की बेवकूफी ने हराया और पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर करवाया। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी रहे पाकिस्तान की इस हार के जिम्मेदार। बाबर, ये तूने क्या किया? श्रीलंका के खिलाफ मस्ट विन गेम में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने ऐसी गलतियां की जो समझ से परे थी। एक तो पहले जब वो बल्लेबाजी करने आए तो इस अहम मुकाबले में सिर्फ 29 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि वो जानते हैं कि वो इस टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। और अगर बाबर इस मैच में बड़ी पारी खेलते तो पाकिस्तान की टीम और ज्यादा बड़ा स्कोर बना सकती थी और उसके जीत के चांसेस बढ़ सकते थे। चलिए, ये तो बाबर की बल्लेबाजी की बात हुई, अब बात कर लेते हैं उनकी कप्तानी की। एशिया कप 2023 में बाबर आजम की कप्तानी सवालों के घेरे में रही। इस मुकाबले में भी उनकी कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। इस मस्ट विन गेम में जब कुशल मेंडिस और सदीरा समरविक्रमा एक साझेदारी बना रहे थे तो बाबर आजम ने अपने सबसे बड़े और सबसे असरदार गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को गेंदबाजी के लिए नहीं लगाया, जबकि बाबर आजम अपने स्पिन गेंदबाजों से गेंदबाजी करवाते रहे और श्रीलंका के रन बनवाते रहे। बाबर आजम की कप्तानी की बात करें तो उन्होंने इस मुकाबले में शादाब खान से पूरे 9 ओवर का कोटा करवाया, जिन्होंने इस मैच में 6.1 की इकोनॉमी से 9 ओवर में 55 रन दिए, जबकि बाबर ने मोहम्मद नवाज, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उनसे 9 ओवर का कोटा पूरा नहीं करवाया। मोहम्मद नवाज ने इस मुकाबले में 7 ओवर में 3.7 की इकोनॉमी से सिर्फ और सिर्फ 26 रन दिए। ऐसे में बाबर की कप्तानी समझ से परे है कि जो गेंदबाज रन लुटाए जा रहा था उससे वो पूरे के पूरे ओवर करवाए जा रहे थे। अगर बाबर नवाज से ओवर करवाते तो मैच का रिजल्ट कुछ और होता और पाकिस्तान की टीम एशिया कप का फाइनल भारत के साथ खेलती। चलिए, ये तो हो गई पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की बात, अब बात कर लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन की श्रीलंका ने बजाई बीन। शाहीन शाह अफरीदी कहने को तो दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक हैं, लेकिन ऐसी गेंदबाजी किस काम की जो आपको मस्ट विन गेम में शुरू में विकेट ना दिलाए। शाहीन शाह अफरीदी इस मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ शुरू के ओवर में विकेट ही नहीं चटका पाए, बल्कि श्रीलंका के ओपनर्स ने अफरीदी की गेंदों की जमकर कुटाई की और शाहीन की बीन बजा दी। जबकि इस मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी पर ज्यादा जिम्मेदारी थी, क्योंकि इस मैच में चोट की वजह से ना तो हारिस रऊफ खेल रहे थे और ना ही नसीम शाह, तो ऐसे में शाहीन शाह अफरीदी को ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। वो पारी की शुरुआत में विकेट ही नहीं चटका पाए। अंत में शाहीन ने लिए 2 विकेट। हालांकि शाहीन अफरीदी को इस मुकाबले में अपने आखिरी ओवर में 2 गेंदों पर 2 विकेट जरूर मिले, लेकिन तब तक श्रीलंका की टीम जीत के बेहद करीब आ गई थी। शाहीन अफरीदी ने इस मुकाबले में अपने 9 ओवर के कोटे में 52 रन दिए और 2 विकेट लिए, लेकिन अगर वो श्रीलंका को शुरुआती झटके देते और पारी के शुरू में ही विकेट लेते तो श्रीलंका जीत के इतने करीब कभी नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की बेवकूफी की वजह से पाकिस्तान को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान की टीम एशिया कप से बाहर हो गई। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच ज्यादा मजेदार होगा या फिर यह मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा मजेदार और रोमांचक होता? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।